आदिवासी भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज सुबह मैंने बनेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। इसको मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं। हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए हम कानून लाए थे, ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिकरण बिल। इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है।
मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहां पे 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सबको फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। आज गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है। कहीं भी अंग्रेजी बोलने के बाद कहीं भी वो नौकरी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोजगार पा सकते हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। मैंने देश की हालत आपको बताई, बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए, हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हुए और उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। कानूनों का फायदा सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मिलता, जो किसानों का है वो उनसे छीना जाता और 2-3 चुने हुए उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिलता। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। भाई और बहनों, यही लड़ाई है। अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं, 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पे चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं होता है और जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, वो किसी को, युवाओं को नहीं मिलता है। ये भाइयों और बहनों लड़ाई है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतने वाली है, जीतेगी।
मैं एक बार फिर राजस्थान की सरकार को, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस पुल से आप सबका बहुत बहुत फायदा होगा। मैं भी अपने आंखों से यहां आऊंगा, जब पुल बनेगा तब भी आऊंगा, मगर शायद उससे पहले भी आपके मेले में आऊं, आपके साथ मैं दर्शन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।